हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्रीबडी। आज का क्विज होगा एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन एंड वीडियो। वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। स्टार्ट करते हैं आज का क्विज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड एट जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर या नन ऑफ दीज। सो द करेक्ट आंसर इज जोधपुर, राजस्थान। अगर हम एरिड जोन की बात करें तो यहाँ से तो ये क्लियर है कि राजस्थान में होगा, पर राजस्थान में जो है दो आते हैं, एक आता है एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट और एक आता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर। अगर हम हॉर्टिकल्चर की बात करें, एरिड हॉर्टिकल्चर की, तो वो होगा अपना बीकानेर में। अगर हम जोन की बात करें, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो वो होगा अपना जोधपुर, राजस्थान में। जोन से आप जोन, जोन से आप जोधपुर याद रख सकते हैं, जोन जोधपुर, जोन जोधपुर, ठीक है। तो एक और आता है यहाँ पे, सेंट्रल शिप एंड वुल रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो भी अपना राजस्थान में, अविकानगर मालपुरा राजस्थान में है अपना सेंट्रल शिप एंड वुल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो राजस्थान में जो है अपने तीन रिसर्च इंस्टीट्यूट है इंपॉर्टेंट। एक है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि अपना जोधपुर राजस्थान में, दूसरा है अपना सेंट्रल शिप एंड वुल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो अपना अविकानगर मालपुरा में, और तीसरा है अपना सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर जो कि अपना बीकानेर में। तो यहाँ से तीन बन गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च, नागपुर, मुंबई, जयपुर या नन ऑफ दिस। सो द करेक्ट आंसर इज नागपुर। अगर हम कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें तो दो हैं यहाँ पे, एक महाराष्ट्र में दो हैं, एक है अपना कॉटन रिसर्च का जो है अपना नागपुर में, और दूसरा है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कॉटन टेक्नोलॉजी। अगर वो टेक्नोलॉजी की बात करेगा, कॉटन टेक्नोलॉजी की, तो वो है अपना मुंबई में। तो कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है उतने महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में कॉटन रिसर्च की बात करेगा तो नागपुर में, अगर सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कॉटन टेक्नोलॉजी बोलेगा, कॉटन टेक्नोलॉजी पे रिसर्च होगी वो होगी अपनी मुंबई में। तो यहाँ से ये दो क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट थे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड एट न्यू दिल्ली, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या नन ऑफ दिस। सो द करेक्ट आंसर इज आंध्र प्रदेश। टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो है अपना आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में एक सिटी है गंटूर सिटी, जिसे हम टोबैको सिटी ऑफ इंडिया भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, सेंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड एट बैरकपुर वेस्ट बंगाल, चेन्नई तमिलनाडु, कोचीन केरला, भुवनेश्वर उड़ीसा। तो आपको बताना है सेंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है बैरकपुर वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल में अपना सेंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगर हम बात करें और फिशरीज इंस्टीट्यूट की, लाइक चेन्नई में जो है वह है ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर का, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर जो है चेन्नई तमिलनाडु में है। अगर हम केरला की बात करें तो केरला में दो इंपॉर्टेंट है, एक है सेंट्रल मेराइन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट और दूसरा है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी CIFT, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी जो है अपना केरला में। तो केरला में दो हैं, एक मेराइन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट और एक है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर, फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर का जो इंस्टीट्यूट है वो अपना भुवनेश्वर उड़ीसा में। महाराष्ट्र में भी एक है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन। अगर हम फिशरीज की एजुकेशन की बात करें तो उसका इंस्टीट्यूट जो है वो है अपना मुंबई महाराष्ट्र में। तो यहाँ से आपके ये पांच इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट जो थे वो हो गए। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गोट इज सिचुएटेड एट मथुरा UP, बेंगलोर कर्नाटका, हिसार हरियाणा या नन ऑफ दिस। सो द करेक्ट आंसर इज मथुरा UP। इसका आंसर जो है वो है मथुरा UP।
जो रिसर्च ऑन गोट का इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट, वो अपना मथुरा यूपी में, हिसार हरियाणा में जो है वो है CIRB, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलोज। क्वेश्चन 6, सेंट्रल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट पोर्ट ब्लेयर, देहरादून, शिमला या जयपुर। सो द करेक्ट आंसर इज पोर्ट ब्लेयर। अंडमान एंड निकोबार में सेंट्रल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी CARI लोकेटेड है। देहरादून में अपना FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है। अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में एक FRI इम्पॉर्टेंट है और एक है VPKAS, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, जो कि अपना अल्मोड़ा में है। VPKAS, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। शिमला में अपना पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी CPRI, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट है। अगर हम आपसे बात करें कि CIBA कहाँ पे है, तो वो आपको मैंने बता दिया था, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर, जो है अपना चेन्नई तमिलनाडु में। अगर हम बात करें CIFA, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर, तो वो है अपना भुवनेश्वर उड़ीसा में। अगर गोट की बात करें, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गोट, तो वो है अपना उत्तर प्रदेश में। सेंट्रल शिप एंड वुड रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है अपना राजस्थान में है। सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो अपना वो है अपना इजात नगर उत्तर प्रदेश में। तो ये सब इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं एनिमल साइंस ऑफ फिशरीज से। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर इज लोकेटेड एट इबाडान, नाइजीरिया, नैरोबी, कीनिया, गिनीवा, स्विट्जरलैंड या नन ऑफ दिस। सो द करेक्ट आंसर इज इबाडान, नाइजीरिया। नाइजीरिया में अपना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर, ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे दो थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है। एक है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर, जो है अपना इबाडान, नाइजीरिया में, और दूसरा है CIAT, इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर। अगर सेंटर की बात करेगा, इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर, तो वो है अपना कोलंबिया, कोलंबो में नहीं है, कोलंबिया जो है साउथ अमेरिका में है। कोलंबिया इज़ अ कंट्री, श्रीलंका की कैपिटल भी होती है कोलंबो है, याद रखना कोलंबो। कोलंबो जो है वो है, उसका एक इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है, वो कौन सा है, तो वो इंस्टीट्यूट है अपना इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, जो कि है श्रीलंका कोलंबो में। और जो इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर है वो अपना कोलंबिया में। गिनीवा स्विट्जरलैंड में क्या है, गिनीवा स्विट्जरलैंड में WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है गिनीवा स्विट्जरलैंड में। WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का भी हेडक्वार्टर जो है वो है अपना गिनीवा स्विट्जरलैंड में। FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जो है वो रोम, इटली में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ल्ड फिश सेंटर इज सिचुएटेड एट मलेशिया, साइरिया, कीनिया या श्रीलंका। तो इसका जो आंसर है वो है अपना मलेशिया, मलेशिया में वर्ल्ड फिश सेंटर है। अगर हम कीनिया की बात करें, तो कीनिया में दो सेंटर हैं, इंटरनेशनल सेंटर हैं। एक है इंटरनेशनल लाइव स्टॉक रिसर्च इंस्टीट्यूट ILRI, जो है इंटरनेशनल लाइव स्टॉक रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो है अपना नैरोबी कीनिया में है। और एक है वर्ल्ड एग्रोफॉरेस्ट्री सेंटर, वो भी अपना कीनिया में है। तो ये याद रखना, कीनिया से अगर कीनिया के आए, तो दो इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट हैं, एक है और दूसरा है वर्ल्ड एग्रोफॉरेस्ट्री सेंटर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड एट, शुगर केन का ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट बताना है आपको, ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, कोयम्बटूर, वाराणसी, भोपाल या लखनऊ। सो द करेक्ट आंसर इज कोयम्बटूर, तमिलनाडु में है इसका शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट। और दूसरा है अपना इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, अगर बात करेगा वो इंडियन इंस्टीट्यूट की शुगर केन रिसर्च की, तो वो है अपना लखनऊ में, लखनऊ यूपी में है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च। वाराणसी में
अपना इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च है और भोपाल में अपना इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यही है आपका, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस इज सिचुएटेड एट कोयम्बटूर, वाराणसी, भोपाल या लखनऊ। तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर कमेंट कर